ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। आप सब लोगों ने ये लफ्ज़ पहले भी बहुत सारी दफ़ा सुना हुआ होगा। जैसे आप लोग सारे अपने फाइनली ये प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हो, और आप लोगों के ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उसके अलावा, अगर आप अपना काम किसी और, आपका कोई क्लाइंट है या आप कोई डायरेक्ट इस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आपके क्लाइंट्स जो हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो एनी बडी हु इज़ गोइंग टू इंटरेक्ट और इन्वॉल्व विद द प्रोसीजर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, तो वो सारे के सारे पीपल जो हैं आपके अराउंड वो स्टेक होल्डर्स का पार्ट बनते हैं। सो यहाँ पर उसने यही मेंशन किया हुआ है कि स्टेक होल्डर्स द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड आर अफेक्टेड बाय प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। तो किसी भी तरह से इन्वॉल्व होंगे या अफेक्ट हो रहे होंगे, जैसे कि आपके एंड यूजर्स हैं, तो सम हाउ दी अदर दे आर गोइंग टू अफेक्ट विद द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, और जो रिजल्ट हैं वो रिजल्टेंट से अफेक्ट हो रहे होंगे। सो ये आपके प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स में आते हैं। इसके अंदर उसने एग्जाम्पलीफाई कर दिया है कि स्पॉन्सर्स, मैनेजर्स, टीम, स्टाफ, कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये सब के सब जो हैं ये आपके प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट, अब आपको उसने जेनेरिक सी टर्म प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बता दी। अब वो आपको कह रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, बिकॉज मैं आपको ये शुरू से बता रही हूँ कि आप IT के डोमेन से पढ़ रहे हो, और मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल्स भी आपको आपके ही टूल्स की ही दे रही हूँ और आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की दे रही हूँ। तो यहाँ पर भी उसने यही चीज़ मेंशन किया है, वो कह रहा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है, ये सब डोमेन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। मतलब अगर आप एक चीज़ ये कंसिडर कर लो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ मेगा थिंग, इज़ अ मेगा डोमेन, इज़ अ मेगा सेट, तो उसका जो सबसेट होगा या जो उसकी सब डोमेन होगी वो आपकी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो हर एक डोमेन में लाई करता है, जैसे कि आपने पीछे एग्जाम्पल्स में भी देखा था कि यहाँ पर थी ये एग्जाम्पल्स कि आपके पास बहुत सारी तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर उसने बताया हुआ था ये डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू व्हीकल, न्यू बिल्डिंग, पॉलिटिकल ऑफिस, वट एवर द थिंग्स आर, कोई कैंपेन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रोजेक्ट हैं। अब इन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर, अगर ये प्रोजेक्ट्स हैं तो इन सब के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाई करती है। बट राइट नाउ वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये सारी की सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स हैं और ये सब की सब चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आती हैं, तो हम लोगों की डोमेन क्योंकि स्पेसिफिक है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा कि ये एक सब डिसिप्लिन आ जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। वो कह रहा है कि इन विच सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल। अगर आप देखें तो ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनके बारे में इसने शुरू में भी बात की थी जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात हुई थी। अब सिर्फ उसने इसमें नया क्या कर दिया, इसने इस प्रोजेक्ट के वर्ड की जगह सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का वर्ड यूज़ कर लिया। बाकी सब वही है कि आप प्लान करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, और चीज़ों को आप समहाउ दी अदर अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर रखते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग, ये सारा कुछ आपने पीछे पढ़ा है कि ये स्किल्स होने चाहिए, तो वही सब कुछ यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन जो एक टर्म यहाँ पर आ गई है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की आ गई। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट थिंग जो है वो अब आपको बता रहा है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग होती क्या है। आप आगे फेजेस भी पढ़ेंगे, ये बेसिकली एक किस्म की फेजेस ही आपको बताई जा रही हैं कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कर रहे हो तो उसके अंदर ये सब की सब चीज़ें जो हैं ये अलग अलग से अपनी हैसियत रखती हैं, इन सब की इंपॉर्टेंस है। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या चीज़ है, वो कह रहा है कि इट्स पर्पज टू आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, एस्टिमेट द वर्क इन्वॉल्व्ड एंड क्रिएट अ प्रोजेक्ट स्केड्यूल। अब आपने सबसे पहले तो ये देखना है जनाब कि ये स्कोप कहाँ लाइन करता है। अगर मैं फिर से आपके ही सॉफ्टवेयर हाउसेज की बात करूँ, तो आप सबको पता है कि सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं वो डोमेन स्पेसिफिक होते हैं। हर कोई सॉफ्टवेयर हाउस हर तरह के टूल्स को बिल्ड करने की एबिलिटी नहीं रखता। सो स्कोप जो है वो प्रोजेक्ट का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी इनिशिएशन के स्टेज पे ही, कि आप क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, करते हैं, कर सकते हैं, टीम है। हाँ, ये है कि न्यू वेंचर्स, नए एंडेवर स्टार्ट किए जाते हैं, न्यू वेंचर्स स्टार्ट किए जाते हैं, तो उसके अंदर आप कहते हैं जनाब अब हम थोड़े मल्टी डिसिप्लिन हो गए हैं, तो अब हम इस तरह के डोमेन को भी कैटर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन में आपका कोई पहला प्रोजेक्ट ऐसा आए कि जो आपके जो नेटिव आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स थे या स्कोप था या जो ऑब्जेक्टिव्स थे उससे हटके हो, लेकिन अगर आपने ये नई चीज़ स्टार्ट करनी ही है तो फिर आपको इस चीज़ को भी फिर ध्यान में रखना है कि अच्छा यार अब ये वाली चीज़ें भी हम लोग डील कर रहे हैं। एस्टिमेट द वर्क इन्वॉल्व्ड, आपने ये देखना है जनाब कि आपका काम कब से कब तक ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर की ऑब्जर्वेशन और ये सारी की सारी चीज़ें, उसकी प्लानिंग की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, एस्टिमेशन के टाइम पर अगर आपका काम जो है सही एस्टिमेट नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ स्केड्यूल चली जाएंगी।
और आप सबको ये बात पता है कि प्रोजेक्ट की मेन प्रॉपर्टी यही है कि वो टेम्प्रेरी होता है, यूनिक होता है, उसकी स्टार्टिंग होती है, उसकी एंडिंग होती है, एंड व्हेन यू हैव स्टेटेड द डेट और टाइम टू द कस्टमर, तो कस्टमर इज वेरी वेरी मच विजिलेंट कि उसको उसी टाइम के ऊपर उसका काम जो है वो डिलीवर किया जाए. वो उसी के पैसे दे रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने के पैसे दे रहा है. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने एस्टिमेट करनी है कि जनाब आपका कौन कौन सा काम किस तरह से इन्वॉल्व है, कितना टाइम लगेगा, कितना बजट होना चाहिए, कितनी टीम मेंबर्स होने चाहिए, कितने रिसोर्सेज जो हैं वो आप यूटिलाइज करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए. तो हर तरह का एस्टिमेट आपने देखना है. फॉर श्योर आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं तो आप किसी एक ऑनर के अंडर काम कर रहे हैं, तो उस ऑनर का प्रॉफिट जो है या उसका जो फ़ायदा है वो चीज़ जो है आपने लाजमी कंसिडर करनी है. तीसरी चीज़ है यहाँ पर उसने बताई हुई है पर्पज़ के अंदर, वो है कि क्रिएट अ प्रोजेक्ट स्केड्यूल. अब आपने स्केड्यूल बना लेना, जाहिर सी बात है अगर आपने अच्छा एस्टिमेट कर लिया है, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं कि जी ये एस्टिमेट है, हम इतने एस्टिमेट के ऊपर काम करने वाले हैं, अब उस एस्टिमेट में टाइम भी आ गया हुआ है, कॉस्ट भी आ गई हुई, रिस्क भी आ गया हुआ है, क्वालिटी भी आ गई हुई है, हर चीज़ आपने एस्टिमेट कर ली हुई है, आपने सारी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो स्टेट कर दी हैं, ये सारी वो चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई हैं, आप रिक्वायरमेंट्स के टाइम पर ये सब कुछ करते भी हो. तो वो कह रहा है कि जनाब आपने प्रोजेक्ट को अब स्केड्यूल कर देना. अब स्केड्यूल करने के लिए देर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स अवेलेबल, जिसके जरिए आप स्केड्यूलिंग शो कर सकते हैं. मतलब आप एक विजनरी चीज़, एक चीज़ आप विजुअलाइज करा सकते हैं अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, कि अपने एंड यूज़र को, कि आपका ये स्केड्यूल होगा, ये चार्ट होगा और हम इस टाइम फ्रेम के ऊपर चीज़ें एंड करेंगे. जिस तरह से आप लोग अपने प्रपोजल के ऊपर भी देते हैं, आप अपना टाइम स्केड्यूल मेंटेन बनाते हैं कि इतने वीक्स लगेंगे मैं प्रपोजल रेडी करूँगा, इतने वीक्स लगेंगे मैं इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर लिखूंगा, या इतने वीक्स लगेंगे मैं लिटरेचर करूँगा, इतने वीक्स लगेंगे कि मैं ये रिक्वायरमेंट्स लूँगा, मतलब वॉट एवर आपने वीक्स डेज, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तो आप आवर्स में भी स्केड्यूल कर सकते हैं कि इतने घंटों में ये काम हो जाएगा, और आपने उस घंटे का डेडलाइन ख़त्म करके ही फिर आपने जो है वो मूव ऑन करना होता है. अगली चीज़ वगैरह, प्रोजेक्ट प्लानिंग बिगिंस विद रिक्वायरमेंट टू डिफाइन द सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड, एंड दिस इज वेरी मच क्लियर. मतलब इसके अंदर कोई चीज़ एम्बिगुअस है ही नहीं. क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग कब शुरू होती है, जब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाती हैं. फॉर श्योर रिक्वायरमेंट्स अगर कस्टमर ने क्लियर नहीं किया है तो प्रोजेक्ट प्लान ही नहीं हो सकता. कोई भी चीज़ प्लान तब होती है जब आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट मौजूद हो, एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट मीन्स कि आपके पास रिक्वायरमेंट मौजूद हो, अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. ठीक है, अब मैं अक्सर कहती हूँ कि एक चीज़ होती है मसला होना और एक चीज़ होती है मसला बना लेना. तो प्रोजेक्ट कभी मसला बना के नहीं किया जाता, मसला होता है तो प्रोजेक्ट किया जाता है. सो इसलिए अगर मसला है तो दैट मीन्स के रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे, और रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू करेंगे. अगला पॉइंट जो कह रहा है जनाब, द प्रोजेक्ट प्लान इज देन डेवलप्ड टू डिस्क्राइब द टास्क दैट विल लीड टू कंप्लीशन.